बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज़। मैं हूं तहम आजम। और मैं हूं राबिया जफर। खबरनगर के आगाज पर रुख करेंगे सांगला हिल का, जहां ईद कुर्बान की आमद आमद। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सांगला हिल में भी आरजी मवेशी मंडियां कायम कर दी गई। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों ने भी मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जुल्फिकार अली सिंधु। जी जुल्फिकार अली सिंधु, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सांगला हिल में भी जो आरजी मवेशी मंडी है वो कायम कर दी गई। इस दफा कोरोना वायरस के पेश नज़र आरजी मवेशी मंडी शहर से 2 किलोमीटर दूर कायम की गई है। सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए आवाम ने भी मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। किसी को खुसूस बकरे और किसी को बैल की तलाश है। तहसील म्यूनसिपल इंतजामिया ने तमाम तार इकदाम को यकीनी बनाने के लिए अपना अमला तैनात कर दिया है और मवेशी मंडी में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहरियों के लिए पीने का साफ पानी और हाथों को साफ करने के लिए हैंड सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया गया है और शामियाने लगाकर मंडी में आने वाले व्यापारियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही है। जबकि दूसरी जानब आवाम का कितनी हो, ये देखिए कितने लोग खरीद रहे हैं। हमारी खुद जेब इजाजत नहीं देती। ये दो जानवर हैं, इनका 2,60,000 रुपये इन्होंने किया। रोजगार ना होने की वजह से हम इन मौजूदा हालात में इंतहाई परेशानी और मसाइल का शिकार हैं, इसकी वजह से महंगाई में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से जानवर खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया है। जी